Hello student, today we are going to start chapter 4 sorting materials into groups. First of all, let us talk about the content, means how many topics, how many points are there in the chapter for the discussion. In the chapter we have the first point is object, after that classification of objects, importance of classification, materials, matter, atoms, element, compound, properties of materials. In the properties of material there are 7 points. First, appearance, texture, hardness, state, soluble or insoluble, floating and sinking, and transparency. Let's start the chapter. Students, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, हम क्या देखते हैं अपने चारों? बड़े बड़े डेस्क देख सकते हैं, चेयर दिखती है हमारे सामने, ब्लैक बोर्ड दिखता है, हम अपने घर में बैठे हैं तो टीवी नज़र आता है, वाटर नज़र आता है, वाटर बॉटल दिखती है, पेंसिल बॉक्सेस नज़र आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं और ये हमारे घर के अंदर होती है और ये सारी चीज़ें हमारे आसपास नज़र आती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। Anything that we can see or touch, इसकी डेफिनेशन हो गई एक तरीके से, कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या हो गई? Anything that we can see or touch is called an object. जिस भी चीज़ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। Anything that we can see or touch. ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, all objects differ in shape, साइज़, कलर, मैनी अदर आस्पेक्ट्स, अलग अलग आस्पेक्ट्स में हो सकते हैं, इनकी शेप अलग हो सकता है, साइज़ अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, बट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना बेटा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट किससे बने होते हैं? मटेरियल्स से बने होते हैं और इनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं, घर में हमारे को टॉयज़ मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, क्लोथ मिल जाएगा, ये सारे अलग अलग मटेरियल से बने हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग। चलो अपन इसके बारे में और स्टडी करते हैं। टू स्टडी ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमें इनकी क्या करने की ज़रूरत है? क्लासिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। तो क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ध्यान से सुनना, ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर देना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सिमिलैरिटीज़, उनकी सिमिलैरिटीज़ के अनुसार और डिससिमिलैरिटीज़ के अनुसार, इसे अपन क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अपन कभी ग्रॉसरी शॉप में भी जाते हैं, हैज़ मैनी थिंग्स, आप वहाँ पर ग्रॉसरी शॉप में जाओ, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इमेजिन इफ़ यू ऑल द थिंग्स वर डम्प्ड टुगेदर एट वन प्लेस, सोचो सारी चीज़ें एक जगह पड़ी हुई है, उस केस में क्या होगा? हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो हमें मिल ही नहीं पाएगी। लेकिन शॉपकीपर क्या करता है बेटा, इनको, इन ग्रॉसरी आइटम्स को, थिंग्स को क्या कर देता है? अरेंज कर देता सिस्टमेटिकली। एग्जाम्पल, ऑल काइंड ऑफ टॉयज़ प्लेस्ड ऑल टुगेदर, हैं सारे, जैसे फूड आइटम बिस्किट्स के हैं वो एक जगह रख दिए जाते हैं। जब अपन, जैसे आप डी मार्ट जाते हैं तो जैसे एक पूरी रो बिस्किट की बनी हुई है, एक पूरी रो शैम्पू की बनी हुई है, एक जगह यूटेंसिल्स पड़े हुए हैं, एक जगह ईटेबल आइटम्स पड़े हुए हैं, एक जगह फ्लोर पड़ा हुआ है, एक जगह डियो पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमें आसानी होती है कि हम कमें अगर कोई चीज़ चाहिए, कोई वस्तु लेनी है, इफ़ वी वॉन्ट टू परचेज एनीथिंग, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं बेटा? वहाँ से हम ये चीज़ें ले सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या इसकी एक क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर देना, किसके बेसिस पर? सर्टन सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर और डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पर। इसे अपने क्या कह दिया? क्लासिफिकेशन कह दिया। अगर अपन इसके एडवांटेज की बात करें तो द एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स इन ग्रुप्स इज दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग। समझ में आया कि हम अगर हमने एडवांटेज की बात करते हैं तो इन सब चीज़ों को अपन ने सॉर्टिंग कर दिया एक प्लेस पर, तो इससे क्या हो जाएगा? हमें इजी हो जाएगा, हमें यार ये वाली चाहिए,
हमें जैसे पार्ले जी का बिस्किट लेना, आप उस बिस्किट ड्रॉप पे गए तो पार्ले जी वाला जो कॉलम होगा उससे ख़रीद ले लेंगे अपन। या मुझे कुछ शैम्पू चाहिए, या मुझे सॉप ख़रीदना है, या मुझे जैसे कि टी शर्ट ही ख़रीदना है, तो मैं टी शर्ट डिपार्टमेंट में चला जाऊँगा डी मार्ट के, और वहाँ से वो टी शर्ट ले सकता हूँ। आया समझ में? तो क्लासिफिकेशन का मीन्स ये होता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट। किस में मदद करता है? हमारी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट की, उसकी अपन ऑब्जेक्ट की अगर स्टडी करें तो उसके बारे में पता चल जाएगा। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स। आइडेंटिफाइंग, जैसे यहाँ बिस्किट वाला पार्ट है, या ये टॉय वाला पार्ट है, या यह स्वीट वाला पार्ट है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? पता चल जाएगा कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कि उनकी लोकेट कर पाएंगे। मीन्स इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वन कैटेगरी एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? हम किस कौन सी स्टडीज़ हो गई इसकी, एक तरीके से इस प्रॉपर्टीज़ की हो गई ऑब्जेक्ट के बारे में, इसकी कैटेगराइज करने के बारे में हो गई, तो हम ऑब्जर्व कर दें कौन से पैटर्न से काम करती है। फोर्थ पॉइंट के ऊपर अपन बात करें इसके इम्पोर्टेंस की, तो इट हेल्प अस टू नो दैट हाउ द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। हम अगर हम बात करें तो यार कि ये चीज़ या ये वस्तु या ये थिंग्स, ये जो पड़ा है यहाँ पर, ये दूसरे ग्रुप से अलग कैसे है, हम इसकी कैटेगराइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम शॉप डिपार्टमेंट में गए, वहाँ डिफरेंट टाइप्स के शॉप होंगे, तो उसकी कंपनी के अनुसार उसको रख दिया जाएगा, या शैम्पू के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में रख दिया जाएगा। समझ में आया? तो पहला ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। उसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम ये हमारी क्लासिफिकेशन के इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्या चलेगा, इससे हमें क्या हो जाएगी, हम सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, उसको आइडेंटिफाई और लोकेटिंग कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडीज़ कर सकते हैं, और हमें ये पता चल जाएगा कि द मेंबर ऑफ अ ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज अदर ग्रुप्स। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या होते हैं? ए सब्सटेंस और ए थिंग विच इज़ यूज इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मटेरियल। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी थिंग हो, उसको यूज़ करके हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, उसे अपने क्या कह दिया, मटेरियल कह दिया। जैसे लकड़ी से हमने चेयर बना दी, स्टील से हम चम्मच बनाते, कुछ भी बन सकता है। आया समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया बेटा, चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, और वुड क्या हो गया, एक तरीके से मेटल हो गया। अ स्पून इज़ मेड ऑफ स्टील, और यहाँ पर स्टील क्या हो गया, एक मटेरियल हो गया। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स आर जस्ट लाइक कॉटन, सिल्क, कॉयल, आयरन, प्लास्टिक एंड ग्लास। इस तरीके से मटेरियल्स आ गया समझ में यहाँ तक? तो चलो नेक्स्ट करते हैं। मटेरियल्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं मटेरियल्स? टू टाइप्स के। फर्स्ट हो गया नेचुरल, दूसरा क्या हो गया, ह्यूमन मेड। नेचुरल में क्या होता है, द मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो नेचर से ही हमें मिल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल मटेरियल। जबकि ये वे मटेरियल जो हमें नेचर से नहीं मिल रहा है, और उसे किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ह्यूमन बॉडीज द्वारा बनाया जा रहा है, या ह्यूमंस के द्वारा बनाया जा रहा है, किसके अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, और किसके अनुसार, कंबाइनिंग टू और मोर मटेरियल्स, एक दो या दो से ज़्यादा मटेरियल यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, उसे ह्यूमंस बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, उसे अपन ने क्या कह दिया, ह्यूमन मेड मटेरियल कह दिया। एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक, ये ह्यूमन मेड है, फैक्ट्री से बनता है, जबकि वुड हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि द सेम ऑब्जेक्ट में बी द मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, जो सामने एक जैसे दिखने वाले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, प्लेट जो हमारे घर में डेली लाइफ के अंदर यूज़ होती है, एक प्लेट किससे बन सकती है, अलग अलग मटेरियल से बन सकती है। प्लेट तो एक ही है ना, लेकिन उसमें यूज़ होने वाले अलग अलग टाइप की प्लेट्स होती है, जैसे प्लास्टिक की हो गई, ग्लास की हो गई, स्टेनलेस स्टील की हो गई, सिल्वर की हो गई, इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करें और, तो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ
सेम मटेरियल, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम मटेरियल से बने। जैसे प्लास्टिक इज़ ए मटेरियल, इट कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इट कैन बी यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉयज। प्लास्टिक तो एक हो गया, हमने टॉय भी बनाया, यूटेंसिल भी बनाया, बैग भी बनाया, मग बनाया, ठीक है ना, बकेट भी बनाया, टूथब्रश भी बनाया इससे, प्लास्टिक से। एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, जैसे बिस्किट की बात करते, इस बिस्किट के अंदर वीट, फ्लोर, शुगर, मिल्क, वनस्पति की यूज़ कर कर हम क्या करें, बिस्किट बना रहे हैं। तो अलग अलग एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अलग अलग यूज़ हुआ। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, द सेम ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं तो अपन सेम मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, और एक जो ऑब्जेक्ट से अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन करके अपन दूसरे मटेरियल भी बना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया बेटा मटेरियल्स क्या होते हैं? जो ओके आगे बढ़ते हैं अपन, देखो अपन घर पे इसका क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं एक तरीके से। अगर अपन चलो एक एक्टिविटी करके देखते हैं घर पे, एक छोटी सी अपन ने अपने हमारे घर के सामने जितनी भी चीज़ें जो वुड से बनी हुई है वो हमने ले ली, ग्लास से बनी उसको ले लिया, आयरन से बनी हुई, कॉपर से बनी हुई, पेपर से बनी हुई, इन चीज़ों की अपन एक लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे वुड से बना हुआ अपना बेड हो गया, चेयर हो गई, ग्लास से बना हुआ मिरर हो गया, आयरन से क्या बन सकता है आपकी अलमीरा हो गई, कॉपर से अपने वायर हो गए या यूटेंसिल्स हो गया, ग्लास हो गई, बोतल हो गई एक तरीके से, पेपर से क्या बन गया, बुक बन गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन अलग अलग तरीके से ये अपन घर पे भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं इस तरीके से, आप करना बेटा है ना एक बार। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं मैटर, मैटर क्या होते हैं? ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर, द टर्म मैटर रेफर्स टू एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, इन अदर वर्ड द स्टफ दैट द यूनिवर्स इज मेड ऑफ। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज, कोई भी चीज़ जो स्पेस और मास में स्पेस रखे एंड हैज़ मास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ है वह किससे बनी हुई है, अपन मैटर से बनी हुई है। और अब अपन मेड अप ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो मैटर मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, नंगे नंगे पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। जैसे अपन एक पीस ऑफ कॉपर ले लिया अपन ने, इसको अपन ने तोड़ा, आप क्या देखेंगे, स्मॉलर पीसेस ऑफ कॉपर हो जाएंगे। इफ़ यू कैन अगेन ब्रेक दिस पीस, अगर इसे वापस तोड़ेंगे इट विल चेंज इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे। द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कॉपर इज कॉपर एटम, ये जो सबसे छोटा चीज़ हुआ ना उसे अपन क्या कह दिया, कॉपर एटम कह दिया। और एन एटम इज़ वेरी स्मॉल, एक एटम बहुत छोटा होता है, इट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइड, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते अपनी, इसके लिए स्पेशल ग्लासेस होते हैं, है ना, माइक्रोस्कोप होता है उससे देखना पड़ता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड आयरन इज ऑल्सो एटम, हमने क्या बोला, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं किसके, गोल्ड के और आयरन के, ये भी क्या हैं, एटम हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं वाटर का, पानी का अपन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिया अपन ने, वी नो दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हम जानते हैं किससे मेड अप हुआ ये वाटर, किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का वन, है ना। इस तरीके से वाटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इट कंटेंट्स टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। मैंने पहले टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बोला, सॉरी उसके लिए, लेकिन टू एटम्स होंगे उसके, मॉलिक्यूल्स की जगह टू एटम्स होंगे, और वन एटम किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। ऐसे अपन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये देखो अगर ऐसे अपन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये एटम का एग्जांपल देखो अपने यहाँ पर H
फिर इसके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ ऑक्सीजन के साथ में, फिर एक और एच, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया। नीचे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ, इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या हुआ बेटा कि एक तो कार्बन का एटम हो गया और दो ऑक्सीजन के हो गए। समझ में आ गया यहाँ तक? अब अपन बात करते हैं इसके बाद में एलिमेंट की। यहाँ तक तो समझ में आ गया, अपन अब एलिमेंट की बात करते हैं। द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक एटम से, इज कॉल्ड एन एलिमेंट। द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो एक ही टाइप के एटम से, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इसे तोड़ा नहीं जा सकता इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड से, किसी से भी नहीं तोड़ सकते। समझ में आया? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट एज एटम्स इंडिपेंडेंटली, दे जॉइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एक तो ये पूरे स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, खुद के रह ही नहीं सकते, इन्हें किसी के साथ में ज्वाइन करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे अपनी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना, वो अपने फ्रेंड्स के बिना नहीं रह सकते, ऐसे कैसे ही। फॉर एग्जाम्पल देखो, दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के ज्वाइन करेंगे फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, आया समझ में? जैसे यहाँ पर ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, H प्लस H इज इक्वल टू H2 हो गया, है ना, हाइड्रोजन का वन एटम हो गया इधर और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं एलिमेंट के, अब मान लो आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन और ये पूछ ले कि राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट, तो क्या एग्जाम्पल्स हो गया? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, आया समझ में बेटा? नेक्स्ट, कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, कंपाउंड एग्जिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड किसे कहते हैं? मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स मिलकर कंबाइंड करके उसे केमिकली कुछ फिक्स प्रोपोर्शन कर देते हैं और कंपाउंड बन जाता है। जैसे वाटर का बना हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर से। जैसे अपन कॉमन साल्ट की बात कर रहे हैं, वो नमक होता है ना, उसके अंदर उसमें क्या सोडियम और क्लोरीन दोनों मिक्स होता है, आया समझ में बेटा? अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, किसके ऊपर? देखो यहाँ तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन एक तो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, एक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में मटेरियल के बारे में पढ़ा, फिर मटेरियल की इसके बाद मटेरियल्स के बाद में अपन ने क्या पढ़ा बेटा, मैटर पार्ट के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में एटम्स पढ़ा, फिर उसके बाद में एलिमेंट पढ़ा, एलिमेंट के बाद में अपन ने कंपाउंड पढ़ा। अब अपन किस पर चल रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, अपीरियंस, टेक्सचर्स, हार्डनेस, स्टेट, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्सटेंस आर प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल, आया समझ में? वी यूज मटेरियल्स लाइक स्टील, एल्यूमिनियम टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग पर्पस, बट ये सारी चीज़ें हम कुकिंग पर्पस पे करते हैं, लेकिन हम कभी कागज़ की बनी हुई चीज़ों से बना सकते हैं क्या खाना? कभी नहीं बना सकते, इससे पेपर बन ही नहीं सकता, उसके ऊपर रखेंगे तो फायर हो जाएगी, वो जल जाएगा। इसलिए हम क्या चूज़ करते हैं? वी चूज़ ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। चलो इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं। देखो ध्यान से, अपीरियंस के अनुसार, दिखने के अनुसार कैसे दिखते हैं, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सैंड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वुड, देखी होगी रेत लकड़ी से अलग नज़र आती है, वुड अलग से किसे प्लास्टिक से अलग से नज़र आती है, प्लास्टिक लुक्स डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम, आया समझ में? द स्पेशल काइंड ऑफ शाइन प्रेजेंट ए मटेरियल लस्टर, आया समझ में बेटा? अलग टाइप की अपन ये बात करें तो ये इस तरीके से होती है। और देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन सैंड, वुड एंड प्लास्टिक। देखो थोड़ी देर के लिए अपन, देखो आपने देखा होगा आयरन को, देखा होगा एल्यूमिनियम को, गोल्ड को, ये कैसे शाइन करते हैं, है ना,
इसे अपन ने क्या कर दिया, द स्पेशल काइंड ऑफ शाइन प्रेजेंट ऑन मटेरियल्स इज कॉल्ड लस्टर। मटेरियल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इन्हीं लस्टर को हम क्या कहते हैं, लस्टरस कहते हैं। आया समझ में, लस्टरस मटेरियल्स। और मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड, प्लास्टिक एंड कॉटन जो लस्टर नहीं होते हैं, शाइन नहीं करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, नॉन लस्टरस मटेरियल्स कहते हैं। आया समझ में, एग्जांपल के तौर पर गोल्ड, कॉपर, ठीक है, ये लस्टरस हो गए नेचर से, इनसे ज्वेलरी बनती है। क्वेश्चन ही आ जाए ज्वेलरी किससे बनती है, तो गोल्ड से बनती है। सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर शाइन, उनकी कभी कभी शाइन भी चले जाती है। देखा होगा आपने घर में कुछ मेटल पड़ा हो, कुछ शाइन, उसकी शाइन चली जाएगी, अपीयर्स डल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एयर और मॉइस्चर का क्या हो जाता है, एक्शन शुरू हो जाता है। आया समझ में ये चीज, क्लियर हो गई यहाँ तक? चलो अब अपन अगला पढ़ते हैं, टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है? When we touch different materials, जब हम किसी different materials को छूते हैं, we find that some are rough, कुछ तो बहुत rough होते हैं, and some are smooth। देखो घर पे जाकर आपने mirror को देखना हो, कितना smooth सा होता है, एकदम rough नहीं होता। उसी के against अगर अपन को किसी wall को या किसी भी ऐसी चीज़ को छूएंगे, wood वगैरह की को, जो थोड़ी rough होगी उसको छूएंगे तो एक rough जैसी नज़र आती है। Rough materials have bumps and ridges on their surface which can be felt। रफ मटेरियल जो होता है, जैसे वुड को देख लो, रॉक को देख लो, उसके ऊपर बम्प्स होंगे, कुछ रिट्स ऐसे चुभने वाली चीज़ें होंगी, जैसे अपन उसको छुएंगे तो हमें एहसास हो जाएगा, अरे यार ये तो बहुत उभरा हुआ है या बहुत इस तरीके से है। आया समझ में बेटा? नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं दूसरा, कि स्मूथ मटेरियल्स हैव नो बम्प्स रिट्स एंड हैव ए प्लेन सरफेस, बिल्कुल प्लेन सरफेस होगा, और दे फील स्मूथ, जैसे अपन ग्लास शीट की बात करते हैं, कितना एकदम स्मूथ होता है। आया समझ में आपके? क्लियर हो गई? यानी कि टेक्सचर के अंदर क्या हो गया, दो चीज़ें हो गई, रफ मटेरियल और दूसरा क्या हो गया, स्मूथ मटेरियल्स। रफ मटेरियल की एग्जाम्पल अपन ने बताई दिए है ना, वुड हो गया, रॉक हो गया, बार ऑफ ट्री हो गया, इस तरीके से। स्मूथ मटेरियल में क्या हो गया, जैसे ग्लास की शीट हो गई, या फ्लावर पेटल्स भी कह सकते हैं, वो भी कितने स्मूथ होते हैं, हम फ्लावर को छूते हैं जो कितने स्मूथ सॉफ्ट लगते हैं वो। आया समझ में? नेक्स्ट चले आगे, चलो नंबर 3, हार्डनेस। सबसे पहले एक स्पंज का टुकड़ा लेना घर पे, और एक आयरन रोड लेना, होगी घर पे देखो, या अपन नाइफ की भी बात कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी हार्ड टुकड़ा ले लो, उसको आप कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, दोनों को, एक तो सॉफ्ट वाला हो गया है ना, और स्पंज वाला, और एक दूसरा एक हार्ड वाला कोई भी ले लिया, जैसे कि लकड़ी का गुट्टा ले लिया, या मोबाइल ले लिया, या कुछ भी ले लिया, उसको अपन ने क्या, कंप्रेस करने की कोशिश की। तो मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। जो भी सॉफ्ट मटेरियल है वह आसानी से कंप्रेस्ड हो जाते हैं या स्ट्रेच हो जाते हैं, जैसे कि फोम हो गया, मेल्टेड वैक्स हो गया, या स्पंज हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स। क्लियर हो गई? नाउ मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस, जिन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वे क्या कहलाएंगे, हार्ड मटेरियल्स कहलाएंगे, ठीक है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। क्लियर हो गई? बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ हार्डनेस मेटल्स आर यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। इसकी हार्डनेस, इन मेटल्स की हार्डनेस की वजह से ही तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके अपने घरों में होने वाले जो यूज़ होती है ना, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, इसी से तो बनाई जाती है, फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं ये इक्विपमेंट के तौर पर, ठीक है। नाउ स्टेट, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर ग्रोब्ड ऑन द आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड और गैस। अपन फिजिकल स्टेट की बात करें तो कितने हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब इनके मेन डिफरेंस की अपन बात करते हैं, तो सॉलिड, ऑल सॉलिड सब्सटेंस हैव सॉलिड स्टेट,
सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनका एक पर्टिकुलर शेप और क्या होता है, वॉल्यूम होता है। सच मटेरियल्स कैन नॉट बी कंप्रेस, ऐसे इनको कंप्रेस नहीं कर सकते अपन। पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड इट कैन नॉट बी फ्लो, जैसे सॉलिड फिक्स हो गए, कैन नॉट कंप्रेस हो गया, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जैसे अपने घर में वुड हो गया है, चेयर हो गई, आयरन रोड हो गया, इस तरीके से। लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, ऑल लिक्विड सब्सटेंस हैव लिक्विड स्टेट, लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट इट कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर, इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। सच मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड टू सम एक्सटेंट, जैसे अपन ने पानी लिया, उस पानी को गिलास में डाला, गिलास का शेप हो जाएगा, उसको हमने मग में डाला तो मग का शेप हो जाएगा। आया समझ में? नाउ गैसियस स्टेट यानी गैस, ऑल गैसियस सब्सटेंस हैज़ अ गैसियस स्टेट, सच सब्सटेंस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता इनका, कोई वॉल्यूम नहीं होती। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा कंप्रेस, जैसे अपन वो आइसक्रीम खाते नहीं खाते, उसमें एक टाइप क्या, उस आइसक्रीम को बनाने के लिए जो उसमें से धुआं निकलता रहता नहीं है, तो एक टाइप की उसके अंदर क्या होती है, गैस, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है और उस गैस को एनवायरनमेंट को कर उस आइसक्रीम को बिल्कुल टाइट जमाया जाता है, इसी तरीके से करते हैं। दे आर हाईली कंप्रेसिबल एंड पार्टिकल्स इन इट आर क्लोजली, क्या होते हैं इनके पार्टिकल्स, बहुत ही क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, सॉरी क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, चलो अपन बात करते हैं सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल की। टेक, चलो एक घर पे प्रैक्टिकल करके देखो थोड़ा सा, है ना, एक ग्लास ले लिया, उसमें पानी भर दिया 3/4 ऑफ एंड इट विथ क्लीन एंड पोर्टेबल वाटर डाल दिया इसके अंदर, एंड हाफ फुल स्पून ऑफ शुगर डाल दिया, उसको अपन ने हिलाना शुरू किया, क्या हो जाए, थोड़ी देर वेट किया तो फ्यू मिनट्स के अंदर ऑब्जर्व किया तो शुगर उसमें डिसअपियर्ड हो गई। दिस शोज दैट द शुगर डिजॉल्व इन वाटर एंड और शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर। अपन पानी का टेस्ट किया, क्या अपन ने क्या मिला, थोड़ा सा पानी क्या आया, मीठा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो द सोल्यूबल सब्सटेंस इज कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाएंगे इस पानी के अंदर। द फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर ऑफ वाटर लाइक लेमन जूस, विनेगर, ये सारे के सारे इसके अंदर क्या हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं, घुल सकते हैं। दिस इज बिकॉज द शुगर इज स्टिल देयर इन द वाटर बट इट्स पार्टिकल्स हैव बिकम सो स्मॉल, क्योंकि इन सबके क्या पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन वाटर और ये हमें दिखाई नहीं देते। आ गया समझ में? नाउ दूसरा भी कर लो, या एक और ग्लास लो, अब इसमें क्या डाल दो, सैंड डाल दो, मिट्टी डाल दो और अच्छे से हिलाओ उसको बॉटम तक, आप क्या देखेंगे, वो नहीं घुलेंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे। तो अपन ने सैंड को क्या बोला, इनसॉल्यूबल कह दिया वाटर के अंदर। आया समझ में ये चीज? देखो सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड ऑफ सॉलिड इन वाटर, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर, हमने क्या किया, सॉलिड मटेरियल दैट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर, जितने भी सॉलिड मटेरियल्स है डाला वो क्या कहलाएंगे आपके, सॉल्युबल कहलाएंगे। वेयर दोज डू नॉट डिजॉल्व इन द वाटर, इनसॉल्युबल कहलाएंगे, अपन ने पढ़ लिया। अब अपन लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं कम्प्लीटली मिक्सचर हो जाते हैं, मिक्सड हो जाते हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में, क्लियर, और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, मिसिसिबल कहते हैं, मिसिसिबल इन वाटर कहते हैं। लेकिन कुछ मिक्स नहीं हो पाते हैं, उनकी लेयर बन जाती है, जैसे अपन ऑयल ले लिया, मस्टर्ड ऑयल लिया अपन ने, ठीक है, केरोसिन का ऑयल लिया, तो ये पानी के ऊपर तैरते एक लेयर बना देंगे, एक सेपरेट लेयर बना देंगे, अपन ने इसको क्या बोलेंगे, इमिसिबल कहेंगे, इन वाटर कहेंगे। समझ में आ गया चीज? अब अपन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी गैस इन वाटर,
Some gases are soluble in water, whereas some are not. Usually, water contains some quantity of some gas like oxygen in dissolved state. Plants, animals that live in water use oxygen. देखा होगा ओशन के अंदर कुछ फिश होती है, वह अपनी ऑक्सीजन कहाँ से लेगी? देखो बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते, ऐसे ही वह ऑक्सीजन कहाँ से लेगी? उस पानी के अंदर घुली हुई उस गैस से लेगी। समझ में आएगा बेटा? नाउ अब अपन चलते हैं फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के अंदर। मटेरियल्स आइदर फ्लो और सिंक इन वाटर। लाइट मटेरियल्स लाइक पेपर फ्लोट इन वाटर, ठीक है। हेवी मटेरियल्स सिंक इन वाटर। हेवी जो होते हैं वे क्या हो जाते हैं? पानी में डूब जाते हैं। जो लाइट होते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, घर पे एक कॉइन ले लिया और एक लीफ ले लिया, ठीक है। उसको अपन ने क्या लिया? ग्लास लिया या पतीली लिया, उससे पानी भर दिया, लीफ को डाला तो ऊपर तैर रही है, कॉइन क्या हो गया? नीचे बैठ गया। आया समझ में? देखो लीफ क्या है? बिल्कुल लीफ क्या है? बिल्कुल लाइट है। और उसके जस्ट अगेंस्ट कॉइन कैसा है बेटा? एकदम क्या है वो? हेवी टाइप का, थोड़ा हेवी मटेरियल है, तो पानी में डूब गया। अब दिमाग में आएगा, चलो एक चीज़ ढूंढ के बताना, जब अपन बिल्कुल मिलेंगे ना, कि बड़े बड़े जहाज पानी में तैरते रहते हैं, जबकि एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा उसमें तैर पानी में रखते हैं, डूब जाता है, रीज़न क्या होगा? देखना अपन क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, नहीं तो अगले चैप्टर में, ठीक है ना। नाउ ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। आपने एक ग्लास लिया, टम्बलर इन फ्रंट ऑफ योर आइज के आपके सामने रखा, क्या देखते हैं उसके सामने से? ऑब्जेक्ट्स नजर आता है थ्रू दिस। द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, इसे अपन क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। और दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। आ गया समझ में? ग्लास इज़ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और इसके अलावा सम अदर एग्जांपल की अपन बात करें तो वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एयर हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गया? एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी के एग्जांपल्स हो गए। क्लियर हो गई? अब देखो आगे थोड़ा सा, अपन एक कार्डबोर्ड हमारे सामने सामने दिखते हैं, कार्डबोर्ड से हम क्या देखेंगे? हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट, और इन्हें अपन क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। और इसकी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ओपेकनेस कहते हैं। समझ में आया? जैसे मेटल्स हो गया, बुक हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, ये सारे के सारे ओपेक मटेरियल्स के एग्जांपल्स हो गए। चलो अपन एक और काम लेते हैं, होल्ड ए बटर पेपर इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, और हम क्या देखते हैं उससे? पार्शियली नज़र आता, थोड़ा थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा। द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसुलेंट मटेरियल्स, और इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? ट्रांसुलेंसी कहते हैं। क्लियर हो गई? यहाँ तक समझ में आ गया? ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ बेटा। चलो इसके कुछ अपन क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड ग्रुपिंग थिंग्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ग्रुपिंग थिंग्स को अपन सेपरेट ग्रुप्स में बेसिस पे कर रहे हैं, सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज को अपन क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स यू हैव टू नोट डाउन दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आई विल शेयर ए PDF फाइल अलॉन्ग विद दिस वीडियो एंड यू हैव टू नोट डाउन द नोट्स ऑल्सो इन योर नोटबुक। क्लियर? वाट आर द मटेरियल्स कॉल्ड, सेकेंड क्वेश्चन, वॉट आर द मटेरियल्स कॉल्ड दैट कैन बी कंप्रेस्ड। वैसे एक मटेरियल जिनको अपन कंप्रेस करते हैं उसे क्या कहते हैं? अपन सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के 3 एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए? वाटर, कॉमन सॉल्ट और शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वॉट इज मैटर। मैटर क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? Anything that occupies space and has mass, इसे अपन क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन।
कोई भी दो क्लासिफिकेशन के इम्पोर्टेंस अपने को लिखने हैं, ध्यान में रखने। वैसे तो चारों ध्यान में रखना ठीक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दो तो ध्यान में रखना ही है। इट फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज कि इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मटेरियल्स। 3 फिजिकल स्टेट कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? हैज आर लेस क्लोजली होते हैं पैक्ड विद रेस्पेक्ट ऑफ सॉलिड। और गैस के कैसे होते हैं? पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। बेटा आपने इसके अंदर, इस शीट के अंदर एक जगह गैस के अंदर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड लिखा हुआ है, वहाँ क्लोजली नहीं है, लूजली है, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। अलग अलग कितने टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं अपन ने पढ़ा था ना, कौन सा होता है? एक तो नेचुरल मटेरियल और दूसरा कौन सा होगा? ह्यूमन मेड मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 9, नेम टू हार्ड एंड टू सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स। हार्ड ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट आयरन, सेकेंड कॉपर दे दिया, कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्ट आइटम्स में क्या हो गया? फोम हो गया, मेल्टेड वैक्स हो गया, स्पॉन्ज भी कह सकते हैं अपन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दे कॉल्ड दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्स्ड विद वाटर। ये देखा था ना अभी लास्ट में, जो ऐसे लिक्विड जो पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाए उन्हें क्या कहेंगे? मिसिसिबल। क्या बोलेंगे? मिसिसिबल। क्लियर। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। नाउ अपन करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। गोल्ड इज लस्टर मटेरियल। गोल्ड चमकता नहीं चमकता, उसे अपन क्या कहेंगे? लस्टर मटेरियल कहेंगे। सम लिक्विड डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर। था ना था ये लास्ट में, कुछ ऐसे होते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल ले लिया अपन ने, वो पानी के ऊपर उसकी एक लेयर बन जाती है, उसे अपन क्या कहेंगे? इमिसिबल। ठीक है। क्या बोलेंगे? इमिसिबल। ऐसे लिक्विड जो पानी में घुल जाए उसे मिसिसिबल कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? इमिसिबल। शुगर इज डैश इन वाटर। क्या होती है? सोल्यूबल होती है। ग्राउंडेड ग्लास इज एन ट्रांसुलेंट मटेरियल। क्लियर। ये आपका चैप्टर हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। ओके बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ एंड लीव ए हेल्दी लाइफ। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।